वेलकम टू वैष्णवी क्लासेज अगेन। प्यारे बच्चों, वैष्णवी क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम नरेशन के ही सीरीज में आज हम फिर पुनः चर्चा करेंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने अपने कुछ प्रीवियस वीडियो में नरेशन के रोल्स के बारे में मैंने समझाया है, आज हम उसी सीरीज में आज हम देखेंगे प्रोनाउन चेंज, पर्सन या प्रोनाउन चेंज। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ हेडिंग लिखा है प्रोनाउन या पर्सन चेंज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है नरेशन का, जिसमें एक अभी मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ SON 1 2 3। बहुत से लोग सोच रहे होंगे आखिर ये SON सन 1 2 3 क्या है। तो सबसे पहले इसको हम क्लियर करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं सन लिखा है, सन उसमें यस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट और यन का मतलब होता है नोचेन। डियर फ्रेंड्स, अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा, अभी मैं बताऊंगा इसको बढ़िया तरीके से। अब मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। यहाँ पर फर्स्ट का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन, एक का मतलब, टू का मतलब हुआ सेकंड पर्सन और थ्री का मतलब हुआ थर्ड पर्सन। थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे इस पे। जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे सब्जेक्ट और यहां आप देख रहे होंगे ऑब्जेक्ट, ये बात हो रहा है, ये रिपोर्टिंग 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 स्पीच या पार्ट पार्ट के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात हो रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। तो मैं बता दूं, यह बात हो रहा है रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच या उसके पार्ट्स के पर्सन्स के बारे में। इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसा कि फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहां देख रहे होंगे पहला पॉइंट पे मैंने लिखा है फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में फॉर द एग्जांपल एग्जांपल ऑफ फर्स्ट पर्सन में क्या हो सकते हैं,
आई हो सकते हैं, आई इसी से रिलेटिव माय माइन, फिर वी, वी से रिलेटिव यहाँ पर आप मी भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है आई का मी, फिर आप यहाँ रख सकते हैं यू, वी, आवर, आवर्स या अस, ये फर्स्ट पर्सन्स होते हैं जो हम इसको किस में कैसे बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग स्पीच। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच वर्क। डियर स्टूडेंट्स, आप जैसा कि देख रहे होंगे सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच वर्क, वर्क के अकॉर्डिंग बदलता है। अब एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं उसको हम देखेंगे। जैसे कि आप कह सकते हैं यू, योर, योर्स और यू, ये यू ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस वाला है, यू है। हमें होप, हमें यह आशा है कि आप इसे बढ़िया तरह से समझ रहे होंगे। देखिए, रूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है नरेशन के, अगर आप रूल्स करना समझ लेंगे बढ़िया तरह से तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नरेशन में नहीं होगा। नरेशन इजी कॉन्सेप्ट नहीं होता है ग्रामर का, ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे थर्ड पर्सन की ओर, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे थर्ड पर्सन नो चेंज, मैंने तो कह दिया, थर्ड पर्सन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल ऑफ थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के एग्जांपल क्या हो सकते हैं। जैसा कि थर्ड पर्सन के एग्जांपल को आप कह सकते हैं ही, इसे रिलेटिव हिज, हिम, फिर सी, हर, हर्स और हर, एक और हर होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस वाला है, फिर इट, इट्स, दे, देयर, देयर्स, देम, बॉयज और मीम। एनी नेम, एनी नेम, कोई भी नाम हो सकता है। तो ये मैंने अभी अब तक आपको बताया नरेशन का बहुत डिफरेंट कंसेप्ट, प्रोनाउन चेंजिंग। प्रोनाउन चेंजिंग में सन, वन, टू, थ्री क्या होता है, मैंने बताया सब्जेक्ट, यस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। और यहाँ पर वन, टू, थ्री लिखा है, वन का मतलब फर्स्ट पर्सन, टू का मतलब सेकेंड पर्सन, थ्री का मतलब थर्ड पर्सन। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये कंसेप्ट है रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग पार्ट की सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की चर्चा करेंगे, वह उसका मतलब होता है। अब आगे आप देख रहे हो वन, टू, थ्री, या जो थर्ड पर्सन जो है इसे हमें मतलब है रिपोर्टेड स्पीच या पार्ट के फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आइए एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं, अब एग्जाम्पल थोड़ा सा देखेंगे। जैसे कह दिया जाए ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई
आई राइट अ लेटर। डियर स्टूडेंट्स, आइए इसको हम बदलते हैं इनडायरेक्ट में। जैसा कि मैंने अपने कुछ प्रीवियस वीडियो में मैंने अब तक आपको रूल्स के बारे में समझाने की कोशिश किया हूँ, अब एग्जांपल आएगा, देखेंगे। जैसा कि मैं बता रखा था उसमें ही को ही हम लिख देंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब सैड सैड टू है तो इसको हम किस में बदल देते हैं, टोल्ड में। मी के जगह पर मी लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर मैंने बताया था दैट का प्रयोग। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे आई, आई कौन पर्सन होता है आप यहाँ से देख सकते हैं, आई फर्स्ट पर्सन होता है। तो मैं बता दूँ, फर्स्ट पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, एंड सेकेंड पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। ये बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप याद कर ले तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। आई होता है फर्स्ट पर्सन, तो ये बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब है इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं बता दूँ, यहाँ पर का प्रोनाउन या नाउन जिस रूप में हो, यहाँ का प्रोनाउन या नाउन उसी रूप में हम लाते हैं। तो ये प्रोनाउन रूप में है, तो ऑलरेडी ये प्रोनाउन है। अगर यहाँ राम होता तो यहाँ ही लिख देते, सीता होता तो सी लिख देते, रहीम होता तो हम क्या लिख देते, ही लिख देते। मान लीजिए और भी कोई नाम होता, जैसे कि अगर प्लूरल अगर कोई नाम होता, जैसे चिल्ड्रन होता तो हम दे लिखते हैं। अभी मैं आप आगे आपको बताऊंगा, ही को ही हम लिख दिए थर्ड पर्सन। अब ध्यान देंगे ये टेंस कौन है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि टेंस में हम कैसे परिवर्तन करते हैं, जैसा कि उसमें मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट नो चेंज। अब जैसे कि इसके अतिरिक्त भी मैं मॉडल्स के बारे में बताया था, विल चेंज इनटू वुड, कैन चेंज इनटू कुड, शैल चेंज इनटू शुड, मे चेंज इनटू माइट एक्सेट्रा, मैं बहुत सारे चीजें बताया था। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कौन पर्सन, ये कौन टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हम बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का था सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, तो राइट को हम किस में लिख देंगे, रूट और लेटर। ये आप देख सकते हैं ये नरेशन हो गया है। आइए एक और एग्जाम्पल की ओर देखते हैं, जैसे कि कह दिया जाए शीला, शीला सेड टू यू, शीला सेड टू यू he is speaking the truth। Dear friends, आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, शीला सेड टू यू, शीला ने तुमसे कहा या आपसे कहा, कही सॉरी कही, he is speaking the truth, ये किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बता रही है कि वह सही बोल रहा है। तो इसको देखिए नरेशन कैसे करेंगे, शीला टोल्ड यू दैट। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर मैंने दैट का इस्तेमाल कर दिया, ही होता है थर्ड पर्सन नो चेंज, आप जैसा कि ऊपर देख सकते हैं ही, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से बदल जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ही वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको बढ़िया तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए आते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द मैनेजर सेड टू मी आई वॉन्ट टू give you something। Dear friends, आप यहाँ देख रहे होंगे जैसा कि लिखा है द मैनेजर सेड टू मी, मैनेजर मतलब प्रबंधक ने मुझसे कहा या कहे, आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ या मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। आइए इसको हम नरेशन करते हैं कैसे करेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे द मैनेजर सेड टू मी, इसको हम लिख लेंगे द मैनेजर सेड टू को हम बदल देंगे इसमें टोल्ड, मी को मी इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर दैट। अब यहाँ देख रहे होंगे आई, आई होता है फर्स्ट पर्सन मैनेजर के अकॉर्डिंग, तो मैं ध्यान थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आई ये प्रोनाउन रूप में है और यहाँ मैनेजर नाउन रूप में है, तो मैनेजर को ले जाएंगे यहाँ प्रोनाउन रूप में बदलेंगे तो ही हो जाएगा। अब थोड़ा देखेंगे ये इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, ही वांटेड
और उसके बाद हो जाएगा टू, फिर गिव लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे यू होता है सेकंड पर्सन, ये बदलेगा मी के अकॉर्डिंग। तो मैं बता दूं आपसे, ये जो यू है ये ऑब्जेक्टिव केस में है, और इसको भी ले जाकर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। तो देखिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, जैसे कि ये आपके लिए ऑलरेडी क्या ऑब्जेक्टिव केस में दिया है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, मी लिख देंगे, गिव मी सम समथिंग। आप देख सकते हैं। डियर सर, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल वैष्णवी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन साथ ही साथ दबाएं, जिससे आने वाला वीडियो आपको क्या निरंतर मिलता रहे। और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आज के लिए आज इतना ही, और आगे मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपके सामने लेके आऊँगा। और मैं चाहूँगा आप इस वीडियो का एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप अपने फ्री टाइम में आप इसे एक बार और देखें। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।